दिवंगत प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या क्या दिन है आपकी राशि और क्या हो सकता है आपके साथ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में आज उनको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्राओं को टाले, कोई आज जरूरी कार्य ना करे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो कम बोले, वाणी पे संयम रखे, ये आपके लिए आज के दिन बेटर रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि वृषभ है उनके जीवन में स्थिति पहले से बेटर है, आपको लाभ हो सकता है, निरंतर प्रगति की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। किसी पुराने प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आपके मन में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। कुछ खर्च की अधिकता बढ़ सकती है लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे। अगर आप बहुत दिनों से वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो वाहन प्राप्ति का भी आपको योग बन रहा है। अगर आप वाहन खरीदना चाहें तो आपके वाहन को आप ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि मिथुन है उनके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप अपनी काफी पॉजिटिव ओरा के कारण अपने लोगों, आसपास के सर्कल के लोगों को प्रभावित करेंगे जिससे चीजें बेटर होंगी और आगे जाकर आपके लिए या आपके भविष्य के निर्माण में बहुत ही सहायक भूमिका निभाएंगी। कोई बड़ी डील आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लें, ये आपके लिए आज के दिन लाभदायी होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि कर्क है उनकी स्थिति भी पहले से तो बेटर है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजनेस को लेकर आपकी कुछ स्थिति आज के दिन अप डाउन हो सकती है। तो थोड़ा सोच समझ कर लोगों को जांच परख कर आप कार्य की शुरुआत करें और भरोसा बिल्कुल ना करें। बिना किसी पर्टिकुलर किसी निर्णय पे आए, बिना किसी पेपर पर आप दस्तावेज पर आज सिग्नेचर ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के साथ क्या हो सकता है। तो जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए आज का दिन काफी पॉजिटिव है। आपके बिगड़े कार्य बनेंगे, अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है और आपके सोचे और अधिकतर कार्य पूरे होंगे। आपके दिन की शुरुआत ही काफी हाई लेवल एनर्जी के साथ होगी जिसके कारण आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो कन्या राशि वालों के जीवन में आज की स्थिति बेटर है, लाभ होगा आपको, लगातार चीजें व्यवस्थित होकर आपके जीवन में आगे बढ़ेंगी। अचानक आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, लोगों को अपने घर में आपको इनवाइट करके कोई बड़ी पार्टी करनी भी पड़ सकती है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आज आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज करें और जिनका विवाह नहीं हो रहा है हो सकता है उनके नए रिश्ते की शुरुआत भी हो। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो तुला राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से बेटर नहीं है। आपके प्रतिद्वंदी आपके हावी होंगे, शत्रु आपको प्रभावी होने का प्रयास करेंगे। चीजों को आपको सकेल कर समेट कर चलने की जरूरत है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हो। और इतने दिनों से आपकी मेहनत जो आपने काफी प्रयास और मेहनत के दम पे हासिल किया वो सब कुछ खत्म हो सकता है, तो सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से बेटर है, लाभ होगा आपको, लगातार चीजें निकल कर आएंगी, बहुत सी चीजों में आपको पॉजिटिव चेंजेस भी फील होंगे, चीजें अच्छी होकर आपको मिलेंगी, आपको लाभ हो सकता है, चीजें बेटर है लाइफ में, कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं आप और हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन भी हो जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए जिसके कारण आपकी चीजें थोड़ी सी बेटर होकर आपको पहले से मिले। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि धनु है उनके जीवन में आज की स्थिति काफी अच्छी है, आपको लाभ हो सकता है, आप शॉपिंग में जा सकते हैं, किसी प्रकार का धन आपको रुका हुआ मिल सकता है, सोने चांदी भी आज अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति आपकी काफी पॉजिटिव है और आपको लाभ होता मुझे नजर आ रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि मकर है उनकी स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेटर है, आपको लाभ होगा, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी, आप काफी मन प्रसन्न रहेगा, रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। कोई गाड़ी खरीदने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वो पूरी कर लें, आपको की इच्छा पूरी हो सकती है। अपने घर के कुछ इंटीरियर को भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए अभी अच्छा है। चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि कुंभ है उनकी स्थिति पहले से बेटर है, लाभ होगा आपको, थोड़ा सा आपके कैरियर में स्थिरता आएगी, जो काफी दिनों से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका सलूशन शायद आपको मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से लोगों के साथ अपने व्यवहार को ठीक करने की आवश्यकता है, अपने वाणी में संयम रखने की आवश्यकता है और चीजों को बेटर ढंग से आप करने का प्रयास करें तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। तो जिनकी राशि मीन है उनकी स्थिति भी पहले से बेटर है, लाभ होगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है चीजों को मैनेज करने में, चीजों को अरेंज करने में। खासकर जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उनके लिए
ये दिन थोड़े से अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास जारी रखें और प्रयास एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से आपकी जो स्थिति है वो आपको ज्यादा प्रयास मांग रही है, खासकर अपने कैरियर को लेकर। तो इन चीजों को बेटर ढंग से करने का प्रयास करें, खासकर अपने कैरियर और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे थे अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। नमस्कार।